नगर पालिका चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, फॉर्म भरने शुरू हो गए और फॉर्म मिलने लगे हैं। नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। नगर पालिका चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बात कर लें हम नगर पालिका चुनाव की। पार्षद से अध्यक्ष चुने जाना है सिरनी मालवा में, पार्षद के फॉर्म मिलने शुरू हो गए हैं। अब जो बात है कि सिरनी मालवा की हम करें तो 15 वार्ड है, इन 15 वार्ड से पार्षद के दावेदार ने अपनी दावेदारी ठोकनो शुरू कर दी है। सभी पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, हर जगह अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस में तो रायशुमारी भी हो गई है, आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी ढूंढ रही है, तो नागरिक मोर्चा अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। बीजेपी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पार्षद के जो दावेदार हैं वे फार्म भर रहे हैं, उनके लिए कई जरूरी चीज़ें हैं। पहले तो उन्हें बिजली और नगर पालिका को नोटिस लेना जरूरी है। अगर जो नोटिस नहीं होगा तो उन्हें फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना पूरी बनी रहेगी। जाके साथ साथ अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। जिनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनो है वे अभी जाके तहसील में अपना फॉर्म जमा कर देने, तो जल्दी से जल्दी उनको प्रमाण पत्र बनने की बात अधिकारी हम कह रहे हैं। अगर हम बात करें आरक्षण की तो सिवनी में 15 वार्ड हैं। वार्ड नंबर 1 अनारक्षित महिला है, जहाँ में किसी भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सके है। वार्ड नंबर 2 की भी यही स्थिति बनी हुई है, जो वार्ड भी अनारक्षित महिला है, जहाँ में भी किसी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सके है। वार्ड नंबर 3 जो है वो अनारक्षित मुक्त है, या वार्ड में कोई भी आदमी और महिला चुनाव लड़ चुके हैं। वार्ड नंबर 4 अनुसूचित जाति मुक्त है, या वार्ड से अनुसूचित जाति के महिला पुरुष दो ही चुनाव लड़ सकते हैं। वार्ड नंबर 5 जो है वो अनारक्षित महिला है, तो या वार्ड से भी किसी भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सके है। वार्ड नंबर 6 अनारक्षित मुक्त है, या वार्ड से कोई भी आदमी दावेदारी कर सके है, चुनाव लड़ सके है। वार्ड नंबर 7 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला है, या वार्ड से पिछड़ा वर्ग की महिला ही चुनाव लड़ सके है। वार्ड नंबर 8 अनारक्षित महिला है, या वार्ड से कोई भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सके है। वार्ड नंबर 9 जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त है, तो या वार्ड से अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुष दो ही चुनाव लड़ सके हैं। वार्ड नंबर 9 अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त है, तो या वार्ड से अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुष दो ही चुनाव लड़ सके हैं। वार्ड नंबर 10 अनुसूचित जनजाति मुक्त है, तो या वार्ड से अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष दो ही में से कोई भी चुनाव लड़ सके हैं। वार्ड नंबर 11 जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला है, तो या वार्ड से पिछड़ा वर्ग की महिला ही चुनाव लड़ सके हैं। वार्ड नंबर 12 जो है अनारक्षित महिला है, या वार्ड से किसी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सके है। वार्ड नंबर 13 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग महिला है, तो या वार्ड से सिर्फ पिछड़ा वर्ग की महिला ही चुनाव लड़ सके है। वार्ड नंबर 14 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त है, तो या वार्ड से पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुष दो ही चुनाव लड़ सके हैं। और वार्ड नंबर 15 जो है वो अनारक्षित मुक्त है, तो या वार्ड से भी किसी भी वर्ग को उम्मीदवार चुनाव लड़ सके हैं। अब अगर हम बात करें नगर पालिका अध्यक्ष की, तो जहाँ सीट अनारक्षित है, अनारक्षित मतलब कोई भी वर्ग को प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर सके है, जिनके पास पार्षद हो जाए जीतने के बाद। अब अध्यक्ष पार्षदों से बनना है तो सभी वार्ड में घमासान मचो भर है, लेकिन वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 15 में खासो घमासान की स्थिति बन रही है। जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं इन वार्ड में रहे हैं, वे तो दावेदारी कर ही रहे हैं, उनके साथ ही दूसरे वार्ड के जो दावेदार हैं वे भी इन वार्ड में अपनी स्थिति को आकलन कर रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना है कि नगर पालिका की जो स्थिति है वह कैसी हो आने वाली समय में। जैसे जैसे ही दावेदारों के नाम और खुल के सामने आएंगे, अधिकृत घोषणा हो जाएगी, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। फॉर्म जिस दिन से मिलने शुरू हुए हैं, पहले ही दिन 19 से ज़्यादा फॉर्म दावेदारों ने ले रहे हैं। लगभग 80 फॉर्म दावेदारों ने तहसील ऑफिस से ले रहे हैं। तो जो तो पहलो दिन तो अबे कई दिन बाकी है। अब देखना है कि आखिर कितनी दावेदारी इन वार्डों में लोगों की रहनो है। बाढ़ की जो स्थिति है, चुनाव की स्थिति है, बा में जुड़ी हर चीज़, हर अपडेट, छोटी बड़ी चीज़ हम आप सबको बतलाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज डालें, हम बाकी जल्दी से जल्दी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।